फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको पनीर का परांठा बताती हूँ। ये हमने कुछ पनीर ले लिया है, इसे हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से इसमें लंग्स नहीं रहते हैं और ये हमारा एक सार बन के पनीर का परांठा बन गया। पनीर हम घर में भी बना सकते हैं दूध को फाड़ के, जो कि बहुत अच्छा बनता है। और चाहे हम ये हमने पनीर बाजार से मंगाया हुआ है। पनीर ये हमारा ग्रेट हो गया है। इसमें ये हमने फाइन चॉप करी हुई प्याज है हमारी, ये कुछ हरी मिर्ची है, ये हम डाल देते हैं। इसमें हम लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, लाल मिर्च परांठों में नहीं अच्छी लगती। कुछ सूखा धनिया डाल दिया है 2 स्पून और थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाली है। काली मिर्च फ्रेंड्स थोड़ी सी डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से, और अपना नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं। हमने 1 स्पून नमक डाला है, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गई है फ्रेंड्स। आइए हम अपना पराठा बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने आटे का एक पेड़ा ले लिया है, कुछ मोटा पेड़ा लेंगे। इसे हम सूखे आटे में लपेट के इसको हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। थोड़ा बेलने के बाद हमने आलू की स्टफिंग, इसकी पनीर की स्टफिंग हम इसमें भर देते हैं। 2 स्पून हमने स्टफिंग भर दी है। इसको अच्छे से लपेट के इसको हम अंदर से दबा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम गोल गोल करके अच्छे से घुमा के फ्रेंड्स इसको हम घी पे ही अच्छे से दबा देते हैं, जिससे हमारी स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। सूखा आटा लपेट के थोड़ा सा हम थोड़ा ही आटा लगाएंगे फ्रेंड्स, जिससे हमारे परांठे में टेस्ट बना रहे। इसको हम बहुत हल्के हाथ से बेल देते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, हम छोटा ही बनाएंगे, जिससे हमारा आटा पराठा बढ़ जाए। तवा हमने गरम कर लिया है, ये हम देसी घी में बना रहे हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा घी लगाकर हम इस पराठे को डाल देते हैं। ये पराठा हमारा बन रहा है, हम इसे दूसरा पराठा एक और तैयार करेंगे। इसकी लोई बनाकर इसी तरह से हम इसको ने हमारा ये परांठा बन रहा है। थोड़ा सा बेल कर हम इसको स्टफिंग इसमें रख देते हैं। ये परांठे हमारे बनने में बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। पनीर के परांठे सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और खाने के लिए भी हमारे बहुत बढ़िया बनते हैं फ्रेंड्स। इसे अच्छे से घुमा के देखिए आप, इसको अच्छे से दबा देते हैं कई बार घुमा घुमा कर, जिससे हमारी स्टफिंग ना निकले। परांठे का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, अब इसे हम पलट देते हैं फ्रेंड्स। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसी तरह से हम इसको दबाकर पहले की तरह से सार कर लेते हैं, जिससे हमारी स्टफिंग सारे में बहुत हल्का आटा लगाकर हम इसे सूखा आटा हल्का लगा के इसको हम बहुत हल्के हाथ से बेल लेंगे, जिससे हमारा ये कहीं से फटे ना और पराठा ये बढ़िया बने। ये पराठा थोड़ा हम देखिए आप मोटा ही बनाएंगे, नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा हम इसे मोटा ही बनाते हैं। ये पराठा देखिए आप हो चुका है, गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। अपना घी लगाकर हम थोड़ा सा इसको हम पलट देते हैं। गैस की फ्लेम लो कर लेते हैं, जिससे हमारा पराठा ना जले। फ्रेंड्स, ये पराठा हमारा लो फ्लेम पे ही बनेगा। अगर हम गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे तो ये पराठा हमारा जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से जल जाएगा, फिर हमें खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स। इसे हम हल्की आंच पर ही बनाएंगे। ये पराठा आप देखिए इसे निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। ये पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, पनीर के पराठे। इसे आप चटनी से, ये हमने आम की चटनी बनाई है, ये आम का अचार है हमारा, ये हमारी सॉस है। हम किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं,
इसको हम दही के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, ये पनीर के पराठे आप बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। आप शेयर और लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एक हम आलू का पराठा बनाते हैं। ये कस के रख लिया है, ये हमने फाइन चॉप कर लिया प्याज, ये थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली, ये हमने थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल दी है, और ये सूखा धनिया हमने डाल दिया। स्वाद के अनुसार से नमक डालें, जितना आपको पसंद है। नमक डालकर हम इसको अच्छे से सबको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में इसकी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। ये आलू के पराठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, खाली आलू के पराठे बनाओ तो बच्चों को टेस्ट नहीं आता, इसलिए हम प्याज डाल के बनाते हैं तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप मेरे तरह इस रेसिपी को बनाइए और आप भी खाइए, खिलाइए सबको, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हमने ये आटा ले लिया है, थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा आटा लिया है, जिससे पराठा हमारा अच्छा बन जाए। इसको हम सूखे आटे में लपेट कर थोड़े ही आटे में लगाएं और इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। बेलने के बाद अपनी स्टफिंग जो हमने बनाई थी आलू की, आलू प्याज की, वो हम इसमें भर लेते हैं और इसको इस तरह से हम गोल करके गोल कर लेते हैं। अच्छे से दबा के इसको आटा लपेट लिया है इसे, इसको हम हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज इससे पराठा फटेना, अच्छे से घुमा घुमा कर हम इसे बेल लेते हैं। थोड़ा मोटा ही हम इस पराठे को रखेंगे। हमने तवा रख दिया है, ये पराठा हमने इस पर डाल दिया है। 1 स्पून ऑयल लगा, घी लगा कर हमने ये देसी घी में ही बनाए हैं, इसको हम पलट लेते हैं। चिमटे की सहायता से हम इसे पलट लेंगे, जिससे हमें कहीं पे छीट ना आएगी, पलटने में आसान हो। ऑयल हम इधर भी लगा देते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी होते हैं। फ्रेंड्स, छोटे कुत्ते गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, जिससे हमारा पराठा ना जले। तो दबा दबा कर हम ज़्यादा नहीं दबाएंगे, जिससे कि हमारा ये ज़्यादा हमारा चपटा ना, हल्के हाथ से दबा दबा कर इसे हम सेकेंगे। ये हमारा पराठा बन गया है, इसे हम निकाल कर प्लेट पर रख लेंगे टिश्यू पेपर लगा कर। देखिए, इसी तरह से हम दूसरा भी पराठा हम सेक लेंगे। इस पर हम घी लगा कर इसको भी हम पलट देते हैं, हल्के हाथ से पलटें, जिससे कि इसकी शीट कहीं ना जाए। हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ मोटे पराठे बनते हैं जो कि खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। आलू प्याज के स्टफिंग पराठे खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, तब हमारा बहुत गर्म है, इस पर ही हमारा पराठा बनकर तैयार हो जाए। पराठा हमारा बन चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये पराठे हमारे आलू के पराठे बनकर तैयार हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम चटनी, सॉस और आम के अचार, देखिए आम का अचार हमारा घर का बना हुआ है, ये मीठी चटनी है, सॉस है और दही हम ले सकते हैं।
हम किसी भी तरह से इसको खा सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हैप्पी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।